हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, यानी भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है, आइए संक्षेप में डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी सतह पर वीक वंडरवाल फोर्सेस के माध्यम से जुड़ा होता है तो उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? जब कोई पदार्थ किसी सतह पर केमिकल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा होता है तो यह केमिकल एड्सॉर्प्शन कहलाता है। यह नॉन स्पेसिफिक और रिवर्सिबल होता है। यह स्पेसिफिक और नॉन रिवर्सिबल यानी इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि यह केमिकल बांड का निर्माण करता है और जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत कम होती है, जो लगभग 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल के अर्थ पर तो होती है, और इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन अधिक होती है, जो 82.240 किलो जूल प्रति मोल के अर्थपर्त में होती है। यह ताप बढ़ाने पर घटता है और यह ताप बढ़ाने पर कुछ हद तक बढ़ता है। यह दाब बढ़ाने पर बढ़ता है और इस पर दाब का विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण करता है, किंतु यह केमिकल एड्सॉर्प्शन यूनिमॉलिकुलर लेयर का निर्माण करता है। जैसे सिलिका जल पर वाटर का जुड़ना व चारकोल पर विभिन्न गैसों का जुड़ना फिजिकल एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स हैं, और निकिल पर हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना जिसके परिणामस्वरूप निकिल हाइड्राइड व निकिल ऑक्साइड का निर्माण होता है, वह केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है।